बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां दूसरे चरण के उम्मीदवार घोषित कर सकती है बीजेपी। उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने में बीजेपी जुट चुकी है और 21-22 अप्रैल को उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। नामों का पैनल आने के बाद बैठक होगी, सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक होगी। तो ये बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से, जहां बीजेपी दूसरी लिस्ट तैयार कर रही है और जल्द ही नामों की घोषणा कर सकती है। सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक होगी, जिसके बाद नामों की घोषणा की जाएगी। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने, दूसरे चरण के उम्मीदवार घोषित कर सकती है आज बीजेपी। उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने में बीजेपी पूरी तरह से जुट चुकी है और 21-22 अप्रैल को उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। नामों का पैनल आने के बाद बैठक होगी और सीएम आवास पर कोर कमेटी की बैठक होगी। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि 21-22 अप्रैल को बीजेपी दूसरी लिस्ट जो है वो तैयार कर रही है और दूसरी लिस्ट के बारे में जल्द ही घोषणा की जा सकती है, नामों का ऐलान किया जा सकता है। तो उम्मीदवारों का पैनल तैयार करने में जुटी है बीजेपी। 21-22 अप्रैल को उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है, बड़ी जानकारी इस वक्त की। नामों का पैनल आने के बाद बैठक होगी और सीएम आवास पर होगी कोर कमेटी की बैठक। तो और डिटेल के साथ संवाददाता निकिता हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकिता, क्या कुछ जानकारी आपके पास इस लिस्ट को लेकर है, क्योंकि अब जल्द से जल्द ये जो दूसरी लिस्ट है इसका भी ऐलान बीजेपी कर सकती है, क्या ये लिस्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है? देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट फेज की लिस्ट ऑलरेडी जारी कर दी है। और ये भी बताना चाहूंगी आपको कि जिस तरीके से और पार्टी की लिस्ट आई है, कैंडिडेट की लिस्ट आई है इस बॉडी इलेक्शन को लेकर के, उसमें सबसे ज्यादा जो क्यूरियोसिटी है वो मेयर इलेक्शन की या कह सकते हैं महापौर इलेक्शन को लेकर के है। और अगर मैं बात करूं तो नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की जो प्रत्याशी लिस्ट है उसकी सूची 21 अप्रैल यानी कि 21 अप्रैल के बाद जारी हो सकती है। और पार्टी के जो क्षेत्र स्तर पर दूसरे चरण के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके अगर मैं चयन की बात करूं तो उससे जो पूरा मंथन है, कोर कमेटीज की बैठक है वो शुरू कर दी गई है। और इसी के चलते जितने भी बॉडी इलेक्शन को लेकर रणनीति है वो बीजेपी की इस बार पूरी तरीके से पूरी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो नगर निकाय नगर बॉडी इलेक्शन है उनका जो पूरा असर पड़ेगा वो कहीं ना कहीं लोकसभा जो आने वाले इलेक्शन है उस पर जरूर। तो 21 को जो दूसरे फेज की सूची भारतीय जनता पार्टी पेश कर सकती है और 24 अप्रैल तक जितने भी नामांकन है वो दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट फेज के नामांकन कल दाखिल हो चुके हैं। कल आखिरी दिन था जहां पर बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा था, सुषमा भाई और भी पार्टी की बात करूं वंदना मिश्रा समाजवादी की, ऑलरेडी वहां पर नामांकन कर चुके हैं। तो अब दूसरे फेज का जो मंथन है वो भारतीय जनता पार्टी जरूर अब तेजी कर देगी और 21 को ये जो पूरी लिस्ट है दूसरे फेज की वो भी लीक आउट हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बिल्कुल निकिता, क्योंकि देखिए जो पहली लिस्ट आई थी कई चेंजेस हमें देखने को मिले थे, क्या ऐसे ही कुछ चेंजेस हमें दूसरी लिस्ट में भी देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, पहली लिस्ट को लेकर के थोड़ा सा प्रेशर जरूर था कि किस कैंडिडेट को उतारे, कई नाम आए थे, क्योंकि अगर मैं मेयर की बात करूं तो इसको लेकर भी काफी कैओस क्रिएटेड जरूर था कि क्या ये टिकट किसको मिलता है, वहां पर कई बड़े नाम भी आए थे। लेकिन हालांकि जो पार्टी प्रवक्ता है, पिछले 35 साल से बीजेपी की प्रवक्ता रही है सुषमा, जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी की पढ़ी है, उनको फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी थी। और यही अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी में, उनको उन्होंने भी काफी कुछ तय करने के बाद भी जिस तरीके से रिजर्वेशन लागू हो गया था और उसके बाद ओबीसी से लेकर के जितने भी बड़े ओबीसी को और जितने भी आरक्षण सब लगा करके दलित कोट है उनको देखते हुए कुछ रणनीति तय हुई थी। इसमें भी कहा जा रहा है कि पूरी मंथन के बाद जो 21 को लिस्ट जारी हो रही है सेकेंड फेज की, फिलहाल वो जारी हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इसमें जो कोर कमेटी की बैठक है वो होना अब स्टार्ट हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल निकिता, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।